कैसे हो आपसे। इस बार हम में से काफ़ी लोगों ने CUET के एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने भी दिए हैं। Day 1 से हम लोग काफ़ी सारे ग्लिचेस फेस कर रहे हैं। पहले तो सेंटर पे एग्ज़ाम टाइम देन NTA स्कोर हमारी रॉ स्कोर से टोटली डिफरेंट रहेगी। देन अब रजिस्ट्रेशन CUET जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि बच्चे एक अफोर्डेबल प्राइस में कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट अब उसका कोई कंसेप्ट रह ही नहीं गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का ले लो, जो 1000 चार्ज कर रहा है केवल रजिस्ट्रेशन के लिए, पर कोई वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है कि आपका होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। किस बेसिस से बच्चे वहाँ पैसा दें? एटलीस्ट ऐसा इन लोग को करना चाहिए कि जब बच्चे का श्योर हो जाए कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है देन आप उससे चार्ज लो। ऐसे बच्चे कितनी यूनिवर्सिटी में पैसा देंगे और कितना देंगे? पहले तो फॉर्म फिल करा, फिर अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए चार्जेस दो। उससे अच्छा तो ये रहता है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ अपना सेपरेट ही जैसे एग्ज़ाम कराती थी कराते। थैंक यू सो मच BHU पाठशाला एंड एस्पेशली नीट सर, जो हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझ कर हम लोग के साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। वरना कोई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं समझ रहा, कोई उनका कंडीशन नहीं समझ पा रहा है कि वो नहीं कर सकते कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई या इतना चार्जेस वो नहीं दे सकते रजिस्ट्रेशन के लिए।